सो शुरू करते हैं हम आपकी तस्वीर से शुरू करें बेशक मुझे नहीं पता चलेंगे पहली तस्वीर अम्मा की कौन सी लास्ट पिक्चर एक्चुअली बिकॉज इसके साथ एक और भी तस्वीर है इसी जैसी हाँ सी द पिक्चर इज अबाउट दिस लिटिल बर्ड हाँ दैट इज सिटिंग ऑन द मिरर हाँ जो ये मेरा बेडरूम है okay. और बेडरूम लाउंज और फिर उसके बाद आता है हाँ. तो मैं वहाँ थी और अचानक एक ये ट्वीटी सी छोटी सी बर्ड आई और वो इस शीशे पे बैठ गई हाँ. टू फेच माय कैमरा फोन एंड आई हैड टू टेक अ पिक्चर एंड आई टू पोस्ट इट ऑल्सो एंड आई सेड इसमें मुझे भी ना देखना और शीशे को भी ना देखना बहुत खूबसूरत है बट प्लीज इसको मत देखना प्लीज देखना वो शीशे के ऊपर जो एक छोटी सी चीज रियल बर्ड है ये लकड़ी का कोई फर्नीचर का कोई हिस्सा है मैंने कहा वाओ कितना प्यारा लग रहा है सो दिस मिरर एंड द बर्ड आई कैन नॉट मिरर फॉर माय चिल्ड्रन बट What I want to leave for my children, क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि आप क्या देना चाहते हैं हाँ क्या वो लेना चाहते हैं वो शायद उनसे पूछना पड़ेगा हाँ. लेकिन मैं क्या देना चाहती हूँ is my spirit that I want to pass on to my children that I get happy with things like a bird sitting on my mirror yes. I get happy when I see a butterfly flying over a tree हाँ. मुझे मज़ा आ जाता है मैं कहती हूँ मेरा दिन बन गया मेरी जिंदगी बन गई मैंने आज इस लॉन में एक तितली देख ली है काश मैं कभी जुगनू भी देखूं क्योंकि मुझे पता है कि किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि जुगनू क्या कैसे चीज है और कौन है और किस लिए है और फास्फोरस क्या करती है यू नो उसकी एक साइंस है ना हमने तो जब देखा था पहली दफा जिंदगी में कभी बहुत बचपन में जुगनू आपने देखा है कभी जी जी बिल्कुल फाइन सो आपने देखा है कभी हाँ बिल्कुल अच्छा कराची वाले बच्चों ने भी देखा है हैरत की बात है ये तो लाहौर वाली है ना इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ खुली खुली लाहौर में भी नहीं देखा था वो हम सियालकोट कोई एक हमारा आबाई गाँव है वो विजिट करने गए थे तो वहाँ एक पानी का नाला बह रहा था फ्रेश पानी का और वहाँ उसके किनारे जुगनू थे तो मेरा नेट का दुपट्टा मुझे अभी तक याद है बचपन का तो नेट के दुपट्टे में हमने ऐसे जुगनू पकड़े थे और जब सुबह उठे तो अजीब वो सुंडियां सी लग रही थी रुबीना मैं समझा दूँ सबको रुबीना आप अपने बच्चों को वो स्पिरिट वो खुशी देना चाहती हैं जो उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से मिल रही है अगर आप अपने बच्चों से देखें तो आप अपने बच्चों को कुछ भी ला के दे देते हैं आजकल बच्चे खुश नहीं होते ये नहीं मतलब लाइक हाँ बड़ी बड़ी चीज़ खुशी तो यही है जो छोटी छोटी एग्जैक्टली एग्जैक्ट बड़ी चीज़ों वाली खुशी खुशी नहीं होती नहीं कभी कभार बच्चों को समझ ही नहीं आता कुछ और होता है वो लालच हो सकता है वो दिखावा हो सकता है बड़ी चीजें कुछ और हो सकती हैं खुशी जो है वो सिर्फ छोटी ही चीजों में है और जिनको छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करने की अल्लाह सबको तौफीक दे जब फाल से आते हैं तो मुझे इतनी खुशी जामन देख लिए ठेले पे या फाल से देख लिए तो ये आप बिल्कुल सही है ये चीजें हमने अपने बच्चों में ट्रांसफर की है मेरी बच्ची तरसती है फालसे खाने के लिए और जब फालसे आते तो कहती है प्लीज अब ये हमें भेज दे मुझे यहाँ नहीं रहती तो ये छोटी छोटी चीजें वाकई फालसे का जूस क्या कमाल चीज है ना हाँ और बनाना एक टेक्निकल काम है एंड नॉट एवरीवन कैन मेक परफेक्ट फालसे लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा शुमार उन लोगों में से होता है कि हम अभी भी छोटी छोटी चीजों पर खुश होना जानते हैं जी हाँ हमारी जनरेशन आप मेरी और आपकी जनरेशन जो कि फर्क जनरेशन्स हैं तो हैं ऐसे आई होप आगे के सारे बच्चे भी ऐसे तो इसकी तो कहानी बताएं ये जो शीशा आपकी अम्मा से आपको नहीं नहीं शीशा तो मैंने खुद ही खरीदा अच्छा आप ये अपने बच्चों को देना चाहते हैं नहीं नहीं आई डोंट अगर कोई लेना चाहे तो ऑफ कोर्स बिल्कुल ले ले मेरी सारी चीजें अगर जब भी किसी को अभी नहीं जब तक जब मैं अगर अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज़ में चली गई विच इज़ मैंने सोचा हुआ है कि मैंने बहुत छोटा कर लेना है ज़िंदगी को और घर वर सब ख़त्म कर देना है इवेंचुअली ये एक बहुत लंबी और अजीब कहानी है ये आपकी थिंकिंग है ये मेरी हाँ ये मेरी थिंकिंग है कि देर बी अ डे इन माई लाइफ विच विल प्रॉबली कम सूनर नाउ देन लेटर जिसमें कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं होगी कि मैं घर को वैसे चला सकूँ जैसे मैं चलाती हूँ जैसे मैं चलाना चाहती हूँ जैसे मैं
पिछले 40 साल से चला रही हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं एक गंदे घर में पड़ी रहूँगी इनवेलिड की तरह? नहीं, फिर मैं घर में नहीं आऊँगी, फिर मैं किसी अच्छे से होटल के कमरे में आऊँगी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, वेयर आई विल जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड समबडी विल कम एंड मेक माई बेड, माई बाथरूम एंड सामान से जिंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी. सो उस वक्त कोई भी लेना चाहिए चीज़ें. बड़ा आपने सही प्लानिंग करके, मैंने बहुत दूर तक की. मैं आई एम अ प्लानर. कोई ऐसी चीज है, आपके कितने बहन भाई हैं टोटल? माशाल्लाह 5. आई एम दी ओनली सिस्टर, आई एम दी एल्डर्स, मैं सबसे बड़ी हूँ. 4 भाई हैं मेरे. और अम्मी, अम्मी को कितना अरसा हुआ? अम्मी को 10 साल से ज़्यादा हो गई. सो ऐसा कुछ था लाइक कि अम्मी की अपनी जब अम्मी का इंतकाल होता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि हमारी अम्मी का 3-4 साल पहले हुआ था, तो अम्मी के जो इमिटेशन ज्वेलरी थी या अम्मी की छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की थी, वो हमने उनकी निशानियों के तौर पे स्प्रेड कर दी थी. बहनों में, भाई में, खालाओं को कुछ दे दी थी याद दहाने के तौर पे. तो जब आपके हिस्से में कोई ऐसी चीज़ आई थी अम्मी की जो उनकी याद आपको दिला? अच्छा, अम्मी हर वक्त देरी होती थी. हाँ, कि ये ले लो अम्मी, बहुत ही अच्छा आपने कुछ पहना, ले लो ले लो ले लो अम्मी. हाँ, आप पहने, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. हाँ, जब चाहिए होगा मैं ले लूँगा, आप ऐसे ही करते हैं ना. और फिर इवेंचुअली व्हेन शी वेंट अवे, तो काफ़ी सारी ज्वेलरी थी बिकॉज उनको बहुत शौक था ज्वेलरी का. सो मुझे स्पेसिफिकली इतना कोई सोने का शौक नहीं है. हाँ, सोने की ज्वेलरी का इमिटेशन आई लाइक सर्टेन थिंग्स, बट सोना पहनने. हाँ, का शौक नहीं है. मैंने शायद पहना भी नहीं कभी बहुत. हाँ, शौक से तो मुझे मेरी नानी ने एक दिए थे कड़े जो मैंने मीना के लिए रखे हैं. वो एक सोना होता है जिसको कहते हैं पासा. पासा? हाँ. वो बिल्कुल रियल होता है, उसके अंदर कोई खोट नहीं होती. उसको हार्ड करने के लिए भी उसके अंदर कोई केमिकल्स और अलॉयज नहीं डाले होते. सो अगर आप उसका कड़ा जो मेरा है उसको यूं करो, वो खुल जाता है, और ज़्यादा यूं करो तो टूट भी जाता है, बिकॉज इट डिड ब्रेक वंस. सो वो पासे का कड़ा है, वो प्योर होता है बिल्कुल. मतलब उसमें सिर्फ सोने की कीमत है, कोई खोट नहीं है. सो माय नानी गेव देम टू मी वन डे. वो हर चीज़ मुझे दे देती थी. सो माय मीना, माय डॉटर मीना, उसने कहा कि मुझे अम्मी के, उसकी नानी के कड़े ही चाहिए. हाँ. सो वो कड़े फिर मैंने मीना के लिए ले लिए थे, बिकॉज मुझे कोई किसी चीज़ का भी ज़्यादा शौक नहीं है. हाँ. और बाकी जिसको जो चाहिए था, मेरी माशाल्लाह 4 भाभियाँ हैं. हाँ. और उन सबको जेवर का बहुत शौक है. सो दे ऑल चोज फॉर देमसेल्व्स एंड यू नो, हमने उस हिसाब से कर लिया था. वाह. अम्मी हैड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, और हर वक्त चीज़ें देखे और पुरानी देके नई ले लेती थी. हाँ. उसमें और पैसे डाल के, शी वॉज दैट काइंड ऑफ. अच्छा. शौकीन, कि वो एक ही चीज़ सारी ज़िंदगी नहीं पहनती थी. अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त. क्योंकि